डियर स्टूडेंट्स तो आज जो हमारा टॉपिक है इट विल बी जीनोटाइप एंड फीनोटाइप जीनोटाइप जो है इट इज सिंपली द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल में या फिर एक ऑर्गेनिज्म में कौन से जीन्स है उनका जो सम टोटल है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप और जो मैनिफेस्टेशन होती है कैरेक्टर की या एक ट्रेट की या फिर एक अपेरेंस होती है एक ट्रेट की उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब ये जो फिनोटाइप है ये सिर्फ एक्सटर्नल अपियरेंस नहीं है बल्कि इट कैन बी फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इट कैन बी बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन, और इट कैन इवन बी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए सेल ऐसे कोई सेल या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है वो तो फिनोटाइप है ही लेकिन वो सेल कौन सा प्रोटीन बनाता है वो कौन सी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है वो सेल फिर एक ह्यूमन का जो ब्लड है उसका ग्रुप क्या है वो तो भी फिनोटाइप कहलाता है या फिर एक सेल का बिहेवियर एक एनवायरमेंट में कैसा है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में फॉर दैट मैटर एक प्लांट का जो बिहेवियर है एक एनवायरमेंट में वो कैसा है वो भी फिनोटाइप कहलाता है तो अभी जो होलिस्टिक जो अपेयरेंस होती है जो मैनिफेस्टेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की या एक सेल की जिससे वो फिनोटाइप कहते हैं चीजों से डरमाइन होता है एक आपका जीरो मतलब आपके जीन्स और आपका एनरोमेंट लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं जीरो और एनरोमेंट के इफेक्ट को तब जीरोप ये रेस जीतता है हम बोल सकते हैं कि जीरो जो है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है फॉर ए पर्टिकुलर पर्टिक्युलर फीनोटाइप इसलिए क्योंकि जीनो example, जो जीरो है इट सेट्स द बाउंड्रीज और इट सेट्स द लिमिट्स ऑफ एनी डिवेलपमेंट फॉर एग्जाम्पल जब हम एक प्लांट की बात करते हैं और उसके करेक्टर हाइट की हम बात जब करते हैं हाइट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स और जीन्स हैं ये सेट करते हैं एक बाउंड्री या एक लिमिट कि जो फलानी प्लांट है इट हैज पोटेंशियल ऑफ रीचिंग ए हाइट ऑफ अबाउट टेन मीटर मतलब कहने का ये है कि इसके जीनोटाइप ने या फिर इसकी जो जीन्स हैं उन्होंने इसको पोटेंशियल दिया है कि इट कैन रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ टेन मीटर अब जब आप इसको ऐसा एनवेंट दोगे एक ऑप्टिमल एनवेंट दोगे आप इसको अच्छा अच्छी सनलाइट दोगे अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे अंडर दोज ऑप्टिमल कंडीशंस इट कैन रीच टू दिस हाइट लेकिन अगर अब आप चाहें कि ये प्लांट जो है ये 10 मीटर से थोड़ा ऊपर चला जाए इट कांट हैपन इवन अगर आप इस प्लांट को न्यूट्रिय दे दो या फिर ट्वेंटी आवर्स को आर्टिफिशियल लाइट दे दो या फिर कंटिन्यूअसली इसको इरिगेट करते रहो मतलब जो इसका पोटेंशियल है जो सेट किया है जीनोटाइप ने उसके अलावा ये प्लांट जा ही नहीं सकता लेकिन एनवायरमेंट का इफेक्ट हम इससे समझ सकते हैं कि अगर आपने इस प्लांट को ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं दी आपने न्यूट्रिएंट्स को लिमिट किया या आपने सनलाइट को लिमिट किया तो जो प्लांट है इट कांट रीच टू द हाइट ऑफ टेन मीटर जो फिनोटाइप का जो पोटेंशियल होता है विच इज सेट बाय द चीनो टाइप उसको रीच करने के लिए आपको ऑप्टिमल एनवॉरोमेंटल कंडीशन देनी है एक प्लांट को या फिर एक ऑर्गेनिजम को सो देट ऑल फॉर टूडे अगे हम देखेंगे रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग थैंक यू